गाइस, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ जापान से, वो है मंगा कैफ़े। मंगा कैफ़े मैं पहले आपको बता दूँ होता क्या है। मैं एक मंगा कैफ़े में खड़ी हूँ। मंगा कैफ़े वो कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे आके आप कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं। कॉमिक और नॉवेल्स का बहुत बड़ा कल्चर है जापान में, और मैं वैसे एक ऐसे ही मंगा कैफ़े में आई हूँ जहाँ पे आप पे कर सकते हैं आवर्स के बेसिस में। आप इवन यहाँ पे रुक भी सकते हैं 24 आवर्स। इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं तो लोग इसे काफ़ी यूटिलाइज़ करते हैं इस फैसिलिटी को, और यहाँ आके बैठते हैं और घंटों अपना टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे। ये अगर आप यहाँ स्टे कर रहे हैं, रुक रहे हैं, तो आप ये फ्री रेंटल्स भी लेके जा सकते हैं, जैसे ब्लैंकेट वगैरह ये सब भी है यहाँ पे। मैं सामने आपको वो दिखाती हूँ कि कितना इन सब का स्टे का आपका क्या चार्जेस हैं। ये देखिए, मैं ज़रा ट्रांसलेट करके आपको दिखाती हूँ। सामने ये आ गया है कि आपको क्या चार्जेस देने हैं। ये आप देखिए, फर्स्ट 30 मिनट्स आपको 200 येन देने हैं इंक्लूडिंग टैक्सेस। ओपन सीट ले रहे हैं तो आपको 200 येन देने हैं। अगर आप बूथ ले रहे हैं तो उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं, 30 मिनट्स के 290 येन हैं। और वैसे ही हर घंटे अलग अलग आवर्स के चार्जेस हैं। आप देख रहे हो 3 आवर्स है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 आवर्स है। तो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए 30 मिनट्स का स्टे का ले रही हूँ और देखती हूँ अंदर कैसा है। इन्होंने बोला कि अंदर आप वीडियो नहीं या फिर पिक्चर्स नहीं ले सकते हैं, तो बस मुझे एक्सपीरियंस के लिए आपको दिखाना था कि ये मंगा कैफ़े का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलिए जाके मैं अंदर देखती हूँ कैसा है, तो फिर मैं आपको बाहर आके बताती हूँ। ये भी आप देख सकते हैं कि मैं सामने वाली बंदी से कैसे बात कर रही हूँ। ऐसे हम एक दूसरे को टाइप कर करके बता रहे हैं। तो आपको अंदर 3 तरह की सीटिंग मिलेगी। आप ओपन सीट भी ले सकते हैं इस तरह सिंपल बैठने का, और दूसरी आपको रिक्लाइनिंग सीट है वो भी आप ले सकते हैं। उसमें आपको इस तरह से अंदर जो है आपका आपकी चेयर रहेगी। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है, आप इसको फुल फ्लैट सीट भी ले सकते हैं, यानी पूरी तरह आप उसको पीछे करेंगे तो बेड की तरह बन जाएगी, और आप यहाँ पे आराम से 24 आवर्स बैठ सकते हैं और सो सकते हैं। तो आप यहाँ पे डूज एंड डोंट्स भी दे सकते हैं क्या क्या है इसको यूज़ करने के। मैं मंगा कैफ़े के अंदर आ गई हूँ। मैं धीमे धीमे बात करूँगी क्योंकि अवेलेबल लोग हैं। तो डूज एंड डोंट्स में था कि दूसरे ऐसे बोलिए या चाचा, जबकि फ़ोन पे बात करना अलाउ नहीं है, धीरे बात करिए और जो है अवेलेबल लोग डिस्टर्ब ना हो। तो आपको मैं दिखाती हूँ क्या सेटअप है इस मंगा कैफ़े का। सबसे पहले ये देखिए, मैंने बूथ लिया हुआ है। ये बूथ क्लोज्ड बूथ है, तो आप सामने देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर स्क्रीन है। आपको यहाँ पे कॉमिक पढ़ना या कुछ भी करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। मतलब कि सिमिलर मैं बोलूँ, जैसे इंडिया में पहले होते नहीं थे अपने इंटरनेट कैफ़ेज, हम जाते थे, बैठते थे वहाँ पे, सर्फिंग वगैरह करते थे, उस तरह के मुझे लग रहे हैं। बस है कि यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा तक टाइम स्पेंड कर सकते हैं, 24 आवर्स तक स्पेंड कर सकते हैं और आराम से पढ़े भी रह सकते हैं। तो उस साथ में बाहर ड्रिंक और आइसक्रीम है जो यहाँ के उसमें इंक्लूडेड है। और ये सब देखिए, कीबोर्ड, ये सब चीज़ें दी, और ये सब वाईफाई सब कुछ है इंक्लूडेड। तो मैंने 30 मिनट्स का ले रखा है। और आप यहाँ पे इनको मंगा कम जो है इंटरनेट कैफ़ेज़ भी बोलते हैं, क्योंकि आप जैसे सामने देख रहे हो स्क्रीन है, डेस्कटॉप है, आपको जो भी देखना है, कुछ भी काम करना है या कुछ भी करना है तो आप आराम से बैठ के यहाँ कर सकते हैं। बगल में लाइब्रेरी थी कॉमिक्स की, वो भी उठा के आप ला सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। तो मैं एक कॉमिक ले के आ गई हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ, मंगा कॉमिक्स। ये रही, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये मंगा कॉमिक ले के आ रही हूँ। मुझे घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
कि पता नहीं यहाँ पे इतना कल्चर क्यों है। प्रॉपर एक लाइब्रेरी थी मगर मैं वहाँ का वीडियो शूट नहीं कर सकती थी, तो मैं एक कॉमिक उठा के लेके आ गई आपको दिखाने के लिए, सिर्फ कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो यहाँ पे कॉमिक और ग्राफिक नॉवेल्स का बहुत कल्चर है, तो ये देखते मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे पन्ने पलटते हुए, और घंटा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस दिखाने के लिए आपको और एक्सपीरियंस के लिए मैं इसे उठा के लाई हूँ। और मैंने यहाँ पे देखा काफ़ी लोग हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, हर उम्र के लोग इधर आ रहे हैं और जो है यहाँ पे रुकते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जिनको जितना भी टाइम स्पेंड करना होता हुआ वो करते होंगे, मगर यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। तो एक तरह से मैं आपको बोलूँ कि जैसे आपके पास 2-3 घंटे हैं और करने को कुछ नहीं है और आपको आराम करना है, तो आप इन कैफेज़ में आके बैठ सकते हैं। तो जैसे ये मैंने जो बूथ लिया है, इसका चार्ज मैंने देखा था, तो इसका चार्ज 290 येन है, तो 30 मिनट्स का। मगर हाँ ओवरऑल कहूँ तो थोड़ा महंगा भी है, कोई सस्ता नहीं है। 30 मिनट्स में ये 290 येन ले रहे हैं, मगर हाँ आपको एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे आके आप आराम से बैठ सकते हैं शांति से। बाहर से एक ड्रिंक लेके आ गई हूँ, चलिए कुछ तो पीती हूँ ड्रिंक ही सही। वो मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब इनिशियल अर्ली 2000 में जब इंटरनेट इंडिया में धीमे धीमे लोगों तक पहुँचने लगा था, एंड इतना अफोर्डेबल नहीं था सबके लिए, और स्पेशली वो डायलअप का ज़माना होता था, तो हम लोग इंटरनेट कैफ़ेज़ जाते थे और वहाँ पे टाइम स्पेंड करते थे। कॉमन एरिया मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि उस एरिया में मैं शूट नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों को इन्होंने कहा कि आप उस एरिया में शूट नहीं कर सकते क्योंकि लोगों को डिस्टर्बेंस होगा, और वो भी ठीक है। सामने ये देख सकते हैं लॉकर वगैरह भी दे रखा है अगर आपको सामान वगैरह रखना है, और ये गेम्स वगैरह खेलने के लिए। ये देखिए मैंने जैसे आपको बोला कि गेमिंग का बहुत बड़ा कल्चर है जापान में, बहुत शौक है लोगों को यहाँ पे। और अगर आपको भूख लगी है तो यहाँ पे मेन्यू कार्ड भी दिया हुआ है, तो आप वो सब चीज़ें भी खा सकते हैं और उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए और भी चीज़ें यहाँ पे दी हैं कि और क्या क्या आप कर सकते हैं। ज़रा मैं ट्रांसलेट करके देखती हूँ क्या है ये। हाउ टू वॉच, हाउ टू ऑपरेट वीडियो प्लेयर, वॉल्यूम की प्रेस, हाँ कैसे चीज़ों को ऑपरेट करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। हाउ टू वॉच मूवीज एंड वीडियोस, सो यू कैन ऑर्डर मील्स फ्रॉम द कंप्यूटर, कैन चेंज सीट एज मैनी एज टाइम्स, प्लीज ब्रिंग योर बाइंडर टू द फ्रंट, सो यू कैन ईट सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम, कैन प्रिंट आउट एंड कॉपी, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। और ये भी है नो न्यूसेंस, और ओके दैट आपके यूजर्स के पास जो है सारा डेटा डिलीट कर दिया जाएगा, डेटा विल बी इनिशियलाइज बाय रीस्टार्टिंग और टर्निंग ऑफ द पावर सॉरी। और ये क्या है, प्लीज डू जस्ट इन केस, अपनी चीज़ों का ख्याल खुद ही रखिए, प्लीज बी वंस आफ्टर द लॉन्गेस्ट, ओके जब आपका पैकेज एंड हो जाए जाके पेमेंट करिए। तो सारी चीज़ों सारे डूज एंड डोंट्स यहाँ पे डिस्प्ले में है, मैंने हर एक चीज़ आपको ट्रांसलेट करके दिखा दी। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये जो पेमेंट आप करेंगे यहाँ के स्टे के लिए, तो कुछ चीज़ें रेंटल में फ्री है, जैसे हेडलाइट है, चप्पल है, और ब्लैंकेट जो है उसमें फ्री इंक्लूडेड है। ये 24 आवर ओपन रहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 24 आवर ओपन, तो आप किसी भी टाइम यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको रेस्ट भी आराम से बैठना है शांति में, या फिर आपकी ट्रेन है, आपने होटल से चेकआउट कर लिया है, तो आप आके ऐसी जगहों पे बैठ सकते हैं आराम से। मैं कैफे से बाहर आ गई और मैंने फाइनली पे किया 490 येन। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने एंट्री टाइम डाला वो ठीक नहीं था, और मुझसे बोलते हैं कि आपका टोटल चार्जेस जो हैं 690 हुए,
मगर मैंने उनसे बोला कि आपने जो एंट्री टाइम डाला है वो ठीक नहीं है, मैंने सिर्फ 30 मिनट्स के लिए ही यूज़ किया और 30 मिनट्स का जो चार्ज था वो 290 येन था। सो काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हुए, एक दूसरे की भाषा समझने की कोशिश करते हुए, ट्रांसलेशन टूल यूज़ करते हुए वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे और मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने सिर्फ 30 मिनट्स ही यूज़ किया है। तो फाइनली वो 690 से आए 490। उन्होंने कहा कि नहीं आपने इतनी देर यूज़ किया है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं बहुत लेट अंदर गई थी, तो अब क्या ही बहस करते उस चीज़ के लिए कि नहीं मैं इस टाइम पे, क्योंकि मैंने भी टाइम ट्रैक नहीं किया था कि मैं किस टाइम पे एंटर कर रही हूँ। और फाइनली मैंने 490 पे किया और मैंने सोचा बंदी ने काफ़ी कुछ अच्छी तरह से मुझे बताया कि ये मंगा कैफ़े या इंटरनेट कैफ़ेज़ कैसे ऑपरेट होते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, चलता है। तो मगर मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगी, आप इन कैफ़ेज़ जा रहे हैं तो आप अपना प्रॉपर वो ज़रूर देखिए, टाइम ट्रैक करिए आप किस टाइम पर जा रहे हैं और क्या टाइम एंटर किया गया है। जैसे हम इंडिया में भी करते थे कि कभी कभार होता था कि कैफ़े आप किसी और टाइम पे एंटर कर रहे हैं और कैफ़े पे टाइमिंग कुछ और होता था, तो यहाँ पे भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा फील हुआ कि टाइम जो डल गया था वो गलत था। पर ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंसेस हैं ये सारे।